हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न विद स्वयं। आज हम पढ़ेंगे नेस्टिंग मोमेंट के बारे में। नेस्टिंग मोमेंट में क्या होता है? प्लांट का मोमेंट तो होता है, बट ये ज़रूरी नहीं कि स्टिमुलस की डायरेक्शन में ही हो। तो आज हम दो तरह के नेस्टिंग मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वन इज सिस्मोनेस्टी। सो यहाँ पर स्टिमुलस क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पर स्टिमुलस है टच। ओके, लेट मी शो यू द डायग्राम। इस प्लांट पर ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इसे कहते हैं पल्विनस पार्ट। इस पार्ट में वाटर जो है वो डिपॉजिट होकर रहता है, और जब तक यहाँ पर पानी भरा हुआ रहता है तब तक ये लीफ जो है ये खुली हुई रहती है। सो यहाँ देखिए, ये जो पार्ट है डॉटेड टाइप का रीजन है, इसे कहते हैं पेल्विनस, जहाँ पर पानी भरा हुआ रहता है। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द एग्जैक्ट रीज़न कि ये क्यों हो रहा है। सो जब ये पानी पेल्विनस में प्रेजेंट होता है, ये लीफ जो है खुली रहेगी, बट जब इसे किसी ने टच किया तो ये जितना भी पानी यहाँ पर है वो पेल्विनस रीजन से निकलकर लीफ पर जाती है, जिसकी वजह से जो ये लीव्स होते हैं वो भारी हो जाते हैं। और जैसे ही ये लीफ भारी होंगी, वैसे ही तुरंत वो क्लोज हो जाएंगी या सो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम लीफ के एक तरफ पर छूते हैं, तब दूसरी तरफ की पत्तियाँ भी मूव कर रही हैं और यहाँ पर क्लोज हो रही हैं, जिसकी वजह से इसे कहेंगे नॉन डायरेक्शनल मोमेंट, कि आपको बस स्टिमुलस मिले और पूरे लीफलेट में ये इसका असर हमें दिख रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में क्या, इस बंदे ने एक तरफ से लीफ को छुआ तो भी पूरी की पूरी दोनों साइड की लीफ क्लोज हो गई। तो इससे हमें पता चला कि सिस्मोनेस्टी मोमेंट में क्या होता है, कहीं किसी भी डायरेक्शन में अगर स्टिमुलस होगा तो इफ़ेक्ट बोथ साइड में होगा। और अगर हम ट्रॉपिक मोमेंट की बात करते हैं, तो जहाँ पर स्टिमुलस मिलेगा सिर्फ वहीं पर उसी साइड पर लीफ जो है वो अपना मोमेंट स्लो करेंगी और दूसरी तरफ इसका कुछ भी असर नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? जब हम सिस्मोनेस्टी मोमेंट की बात करते हैं, तब अगर हम एक साइड पर टच करेंगे तो असर हमें दो साइड के पत्तों पर दिखाई देगा। अब हम इसका डेफिनेशन देख लेंगे। थिन वॉल्ड सेल ऑफ पेल्विनस रीजन कॉजिंग फोल्डिंग। थिन वॉल्ड सेल ऑफ पेल्विनस रीजन कॉजिंग फोल्डिंग। थिन वॉल्ड सेल ऑफ पेल्विनस रीजन कॉजिंग। जब हम उस प्लांट को छूते हैं तब क्या होता है, वो जो वाटर वहाँ पर डिपॉजिट होता है वो धीरे से पत्तों वाली रीजन पर चला आता है, जो कि यहाँ पर लिखा है टर्गर चेंजेस अकर इन थिन वॉल्ड सेल ऑफ पेल्विनस। पेल्विनस में जमा रहता है, कॉजिंग फोल्डिंग और ड्रॉपिंग। ड्रॉपिंग यानी कि झुक जाएगी या फिर बंद हो जाएगी। हमने जो पढ़ा था कि पत्ते बंद हो जाते हैं जब हम उसे टच करते हैं, इसी तरह से जैसे मैंने आपको समझाया, आप एग्ज़ाम में ये डिफिनेशन लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है, दिस मोमेंट इज़ वेरी क्विक एंड बेस्ट सीन इन टच मी नॉट प्लांट। आपने टच मी नॉट प्लांट तो देखा ही होगा, जिसे हम छुई मुई पौधा भी कहते हैं। तो जब हम उस पौधे को टच करते हैं क्या हो, वो पूरी तरह से सिकुड़ जाता है, यानी कि क्लोज हो जाता है। हम अगर एक साइड भी टच करें तो वो दो साइड के पत्ते आराम से क्लोज हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है सिस्मोनेस्टी। और टच मी नॉट प्लांट का एक बायोलॉजिकल नेम भी है, जो है माइमोसा प्यूडिका। ओके, माइमोसा प्यूडिका। सो नेक्स्ट जो है वो है सेकेंड नेस्टिक मोमेंट, जो है वो है निक्टिनेस्टी। तो यहाँ पर इसके नेम से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर कुछ नाइट के बारे में कुछ लिखा हुआ है। तो
इसका डेफिनेशन पढ़ लेंगे हम। स्लीप मोमेंट ड्यू टू डे एंड नाइट। इस कैटेगरी में जो भी प्लांट्स आते हैं वो रात में स्लीपिंग पोजीशन में आ जाते हैं और दिन में एकदम ही तरोताज़ा दिखाई पड़ते हैं, यानी कि जब भी इस प्लांट को सनलाइट मिलेगी तब ये तरोताज़ा हो जाएगा और जब सनलाइट हट जाएगी तो ये थोड़ा मुरझा जाएगा, यानी कि ये स्लीपिंग पोजीशन में आ जाएगा, जिसकी वजह से कि जिसका मतलब यहाँ पर रात में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी रुक जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपके जितने भी डाउट थे वो सॉल्व हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।